यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्वाति मेहता। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां सबसे पहली खबर सहारनपुर से है, जहां पर बिजली की तार से झुलसे मजदूर। सहारनपुर से खबर आ रही जहां पर बिजली की तार से मजदूर के झुलसने का मामला सामने आ रहा। 3 मजदूर की मौत हो गई है और 1 मजदूर जो हालत गंभीर है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 मजदूर के घायल होने की इसके साथ ही 2-3 मजदूरों के मौत की बात सामने आ रही। मौके पर पहुंचे थाना रामपुर पुलिस। घायल मजदूर को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां उसका इलाज जारी है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे हैं थाना रामपुर मनिहारन प्रभारी। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी गंगोह के फतेहपुर क्षेत्र के रहने वाला है मृतक। रामपुर मनिहारन के मधनुकी गांव का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर आपको बता दें कि बिजली की तार से मजदूर के झुलसने का मामला सामने आ रहा। बिजली की तार से मजदूर झुलस गया है, जिसमें आपको बता दें कि 3 मजदूरों की मौत हो गई है। वही 1 मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंचे हैं थाना रामपुर मनिहारन के थाना प्रभारी। थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हैं, घायल मजदूर को अस्पताल में कराया भर्ती, जहां पर उसका इलाज जारी है। इस पर हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता शहजाद अंजुम। शहजाद, ये जो मामला सामने आ रहा है, जहां पर बिजली की चपेट में आने से ही लोगों के मतलब उसको मंदुकी गांव का जो मामला है, जहां पर बिजली की तार की चपेट में आने से मजदूर घायल हो गए, जहां पर 3 मजदूरों की मौत भी हो गई है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सहारनपुर के रामपुर मनिहारन गांव बदिनपुर का ये मामला है, जहाँ पर 3 मजदूर बिजली की तार की चपेट में आकर उनकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें एक मजदूर जिसकी नाजुक हालत बनी है उसको जिला अस्पताल में रेफर किया गया। जी, और घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी हालत कैसी बनी हुई है? जी, हमें प्राप्त हुई है अभी उसकी नाजुक हालत बनी हुई है और अभी उसका इलाज चल रहा है। जी, ये हम जानकारी देने के लिए धन्यवाद शहजाद। तो आपको बता दें कि रामपुर मनिहारन के मधनुकी गांव का ये मामला है, जहां पर बिजली की तार से मजदूरों के झुलसने का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि 3 मजदूरों की मौत हो गई है, वही 1 मजदूर जो घायल है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया।